कई तरीके के साधन मिलते हैं, लाइक टेम्पो है, वैन वगैरह भी मिलती है, लेकिन जो बात शाम के टाइम टांगे की राइडिंग करने में है वो किसी और में नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टांगे की राइडिंग करी और दरगाह शरीफ से हम लोग ना साइकिल जस्ट 50 रुपीज़ में जा रहे हैं, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर हम लोगों को टांगे पे जाने में। फ्रेंड्स, अभी शाम का वक्त है और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है, यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, मौसम बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स यहाँ का। अभी आपको मैं बैक कैमरा से यहाँ का सीन दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। जैसा मेरे बैक में सीन चल रहा था सेम वैसे ही यहाँ पर आपको दिख जाएगा सीन। देखिए, देख सकते हैं सनसेट का वक्त है और बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सीन लग रहा है यहाँ का। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये, लोग इतना फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पर फ्रेंड्स, सबको बहुत ही अच्छा लगता है। शायद ही कोई ऐसा हो जो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक ना करता हो, एवरीवन लाइक्स टू गेट फोटो ऑफ दिस प्लेस बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी भी है देखिए, और बहुत ही अच्छा नेचुरल सीन है,
झील का, अनासागर झील का बहुत ही अच्छी खूबसूरती है यहाँ पर। खूबसूरती तो अच्छी होती है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना खूबसूरत सीन है, ऊपर पहाड़ी है और नीचे झील है, अनासागर झील। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर बोटिंग भी होती है। और ये आप दूर देख सकते हैं, ये एक आइलैंड सा बना हुआ है, यहीं पर सब लोग इस बोट से जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग उसी आइलैंड पे जाने के लिए टिकट लेने जा रहे हैं बोट की, तो देखते हैं मिलता है या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी बोट पे जाने के लिए हम लोगों ने यह टिकट ले लिया है 120 रुपीज़ फॉर एडल्ट, और बच्चों के लिए 8 साल के ऊपर इसके बच्चों के लिए टिकट पड़ता है। फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटीज़ हैं, लाइक स्पीड बोट राइडिंग, मोटर बोट, एंड टापू पे भी ले जाते हैं जो आइलैंड बना हुआ है। देख सकते हैं रेट लिखे हुए हैं यहाँ पर। गाइस देख सकते हैं इस तरीके से हम लोगों ने जो टिकट ली है, तो अब ये बोट आई है, इसी पे हम लोग बैठ करके और जाएंगे आइलैंड पर जो वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं वहाँ पर, जूम करके मैं दिखाती हूँ, वहाँ पर हम लोगों को जाना है। फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरीके से रुशान को भेज रहे हैं बोट में। नीचे उतरो, धीरे सब आ। अब हम लोग बोट पे आके बैठ चुके हैं और भी पैसेंजर्स का इंतजार किया जा रहा है कि और भी लोग आए तो फिर हम लोग एक साथ निकलेंगे यहाँ से आइलैंड के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी हम और रुशानी यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, और इस तरीके से बहुत ही अच्छा झील का सीन है, बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। यहाँ पर सनसेट भी हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो स्टीमर है, स्पीड राइड होती है इस पर, तो इसके 300 रुपीज़ चार्ज पड़ते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं एडवेंचर के। एक तो आप बोटिंग करते हुए आप आइलैंड पे जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आप पूरी झील का राउंड ले सकते हैं, उसका भी अलग चार्जेस वगैरह है। और नंबर 3 स्टीमर अवेलेबल है यहाँ पर, जो कि बहुत ही स्पीड राइड कराता है, तो ये भी काफ़ी एडवेंचरस है, लोगों को बड़ा मज़ा आता है। काफ़ी लोग हर तरीके की राइड यहाँ पर इंजॉय करते हैं, लाइक बोटिंग करके आइलैंड पे भी जाते हैं और चारों तरफ का राउंड भी लेते हैं और स्पीड राइडिंग भी करते हैं। बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंड्स यहाँ पर। देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग के सामने ये एक तैयार हुआ है स्टीमर, और ये आई थिंक स्पीड राइड के लिए ही है। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये देखिए, ये स्पीड राइड के लिए है। इस पानी देख सकते हैं कितना करीब है, कितना पास में है, एकदम साफ और बहुत ही बढ़िया नेचुरल सीन है यहाँ का, बहुत ही बढ़िया नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, तभी लोग यहाँ पर आते हैं। और ये देखिए बिल्कुल टापू जैसा बना हुआ है, हार्बर जैसा देख सकते हैं यहाँ पर, ये जैसे हार्बर होते हैं ना जहाँ पर बोट्स आके रुकती हैं, इसी तरीके का सेम सीन यहाँ पर डाल रखा है, बिल्कुल बना रखा है उसी तरीके का। और हम लोगों को उस आइलैंड पर जाना है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बच्चों के झूलने के लिए स्विंग्स वगैरह लगे हुए हैं, तो यहीं पे हम लोगों को जाना है। पहुंच चुके हैं आइलैंड पर, और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जाएंगे यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह में खाएंगे पिएंगे, आपको भी दिखाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना प्यारा सीन है, बिल्कुल बढ़िया सा। यहाँ पर आपको एक ब्रिज मिल जाएगा, इधर से भी देख सकते हैं ब्रिज है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया सीन लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा। आइलैंड पर आने के एकदम रियल आइलैंड लग रहा है ये बिल्कुल। तो ये देखिए एंट्री पे खड़े हैं बॉयज़ टिकट कलेक्ट करने के लिए, और अभी हम लोग इनको टिकट देंगे।
गाइस अब हम लोगों की एंट्री हो गई है आइलैंड में और यहाँ का सराउंडिंग बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही देख रहे होंगे कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, नेचुरल सीन है, नेचुरल सीन तो नेचुरल ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत होती है तारीफ के काबिल। यहाँ पर आते ही आइलैंड पे सबसे पहले हम लोग कैंटीन में गए कि रुशान के लिए कुछ ले लेते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ पैटीज और कोल्ड ड्रिंक मिल पाई है, तो हम लोगों ने पैटीज लिए और स्लाइस लिए जिसे हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ का सराउंडिंग दिखाते हैं, बहुत भूख लगी है। फ्रेंड्स देख सकते हैं रुशान रिंगा रिंगा रोजेस स्विंग कर रहे हैं बड़ा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पे कई सारे स्विंग्स लगे हैं, बेसिकली ये जो आइलैंड है ये बच्चों के लिए ही है एक तरीके से। यहाँ पे तरह तरह के स्विंग्स लगे हैं, एनिमल्स बने हुए हैं। ये कैंटीन है जहाँ से उन्होंने पैटीज और कोल्ड ड्रिंक ली थी। इन साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिफेंट बना हुआ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर फास्ट फूड कुछ खास नहीं था, पैटीज और कोल्ड ड्रिंक ही अवेलेबल थी यहाँ पर। बहुत ही अच्छा सराउंडिंग्स है यहाँ पर, सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ही अच्छा है यहाँ का। फ्रेंड्स देख सकते हैं डायनासोर भी बने हुए हैं भाई साहब, ये देखिए फ्रेंड्स। तो जब जैसे आज बारिश का सीज़न है तो आज थोड़ा सा जो है रश भी यहाँ पर कम रहा, दिन में लोग आए होंगे यहाँ पर काफ़ी, और बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं शाम के टाइम यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स इस आइलैंड पे कपल्स भी आते हैं, लोग फैमिली के साथ आते हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। तो जब भी आप आइए तो इस आइलैंड पे भी ज़रूर आइएगा आना सागर के। यहाँ पे सिर्फ झील ही नहीं, आइलैंड है, बोटिंग है, स्टीमर राइडिंग है, सब जगह आपको आके बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ। वापस जा रहे हैं क्योंकि नेचुरल ब्यूटी तो जो है सनलाइट में बहुत अच्छी लगती है, और अब सब वापस हो रहे हैं तो हम लोग भी वापस हो रहे हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं सनसेट भी हो गया है और अब सन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा यहाँ का सीन लग रहा है अभी शाम को भी। बैक कैमरा से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया सीन लग रहा है यहाँ का। ये देखिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया है समझ लीजिए पूरा। फ्रेंड्स देख सकते हैं झील के किनारे शहर बसा हुआ कितना अच्छा दिख रहा है, लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने को है। और यहाँ पे सबसे लास्ट बोट में हम ही लोग आए थे, मैं और रुशान, बाकी कोई साथ में भी नहीं थे हम लोगों के बैठे हुए लोग। ये देखिए ये था हमारा आना सागर स्पेशल ब्लॉग ऑफ अजमेर। तो फ्रेंड्स अब शाम का वक्त हो गया है, हम लोग भी वापस हो रहे हैं होटल की ओर। बाकी आपको और भी ब्लॉग्स मिलते रहेंगे अजमेर के। तो आज आपको ये आना सागर का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स का लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शोना की दुनिया। बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय।